डियर लीडर्स, मेरा नाम मजीद है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से हम फोर्सेस के अंदर आईटी लगाएंगे। तो अभी हम देखते हैं, चलिए। हम जो है सबसे पहले हमारा प्ले स्टोर में जाएंगे और उसमें जाके हम लोग जो है ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे जाके लिखेंगे ट्रस्ट वॉलेट। जब हम उसमें टाइप करेंगे और उसमें सर्च मारेंगे तो यहाँ पे ये ट्रस्ट वॉलेट देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो उसको हमको डाउनलोड कर लेना है। आपको दिखा रहे हैं एक मतलब नया ट्रस्ट वॉलेट कैसे डाउनलोड किया जाए, और पूरा वीडियो देखते रहिए क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस जो है फोर्सेस पे आईडी लगाना पूरा प्रोसेस आपको दिख जाएंगे। तो आपको ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए सर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा बिज़नेस को समझने के लिए कोशिश करिए, और कैसे बनाया जाता है ट्रस्ट वॉलेट वो भी देखिए। इसमें हम लोगों को अगर आपका पहले से नहीं है तो उसमें आपको करना पड़ेंगे किस तरीके से हम लोग जो है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आईडी बन वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं उसको आप देख लीजिए। और यहाँ पे 12 फेज जो है इसको आपको ध्यान पे रखना है और लिख के भी लेना ही है 12 फेज, ठीक है सर। तो हम जो है दूसरे एक फ़ोन से फ़ोटो करके ले रहे हैं 12 फेज को, और आगे से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको अभी एक एक करके जो है सिलेक्ट कर देना है, एक के बाद एक सीरियल वाइज आपको देख देख के टाइप करना है। जो पहले उसको पहले ही टाइप करना है, जो लास्ट में है उसको लास्ट में टाइप करना है। जैसे सीरियल में है उसी तरीके से आपको सीरियल वाइज जो है टाइप करना है आपको। और हम आगे दिखाते हैं किस तरीके से हमारा बाइनेंस को हम BUSD के अंदर लेके आएंगे, उसको भी हम दिखाएंगे। तो देखते रहिए। देखिए अभी यहाँ पे जो है हमारा वॉलेट बन के सक्सेसफुल हो गया है। इसमें अभी देख सकते हो यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम और बाइनेंस आ गया है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फ़ंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा वो भी प्रोसेस आप देख लीजिए। हम जो है पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे BUSD जो कॉइन है उसको आपको सिलेक्ट करना है, वहाँ पे साइड बटन भले क्लिक करें। BUSD जो कॉइन है, दो तरह की ब्लॉकचेन है, यहाँ पे करना है BEP20 पे आपको करना है सिलेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया अभी। अभी यहाँ से इस फ़ोन से हम इस फ़ोन में आपको ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हम BUSD कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट वो भी आपको दिखा देंगे। पूरा प्रोसेस जो है हम आपको दिखाते हैं, वेट करिए। तो इसका जो एड्रेस है उसको कॉपी कर लेना है आपको, या बारकोड से भी आप सेंड कर सकते हैं। अभी आपको मैं उस दूसरे फ़ोन पे मैं वहाँ पे सेंड कर देता हूँ ये एड्रेस, वहाँ पे सेंड कर दूँ। वहाँ से फिर हम जो है बाइनेंस को यहाँ पे ले लेंगे इस वॉलेट के अंदर, इस फ़ोन पे, है ना। इसको कॉपी कर लेना है एड्रेस, और लास्ट वाला जो डिजिट है उसको आपको मैच कर लेना है, ठीक है। अभी हम सेंड के ऑप्शन पे जाएंगे और सेंड एड्रेस को पेस्ट कर देंगे और अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा अमाउंट ले लेंगे पहले दिखाने के लिए आपको, $15 ले लेते हैं। अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ पे जो सेंड का ऑप्शन दिखेगा सेंड वाला बटन पे क्लिक करते हैं, हमारा जो है
बाइनेंस वो चला जाएंगे। फिर हम जो है यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ से जो है ऑलरेडी चला गया है, देख सकते हो आप बाइनेंस का जो डॉलर है वो काट चुका है। हम इस फ़ोन में अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है, वेट करिए। इस ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे, हम यहाँ पे ओपन करके देखें, देखो हमारा जो है डॉलर आ चुका है अभी, और हम इसको अभी दिखाएंगे कैसे इसमें BUSD के अंदर लेके आएंगे, उसको दिखाएंगे आपको। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको हम जो है बाइनेंस BUSD हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नीचे वाला ऑप्शन, और ऊपर वाला तो बाइनेंस ही रहेंगे। देखिए इस बार यहाँ से उसको स्मार्ट चेन में डायरेक्टली ले लिया था हमने, तो अगर आपका स्मार्ट चेन में नहीं तो स्मार्ट चेन में करना पड़ेगा, फिर आपको जो है BUSD के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे देखिए आ गया है, इस नीचे वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, या नया जो अपडेट वाला ट्रस्ट वॉलेट है उसमें टोकन भी दिखाता है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे स्वाइप वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है डॉलर हम पूरा 100% नहीं करके 70% करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप अभी, आप लोग देख सकते हो किस तरह की से प्रोसेस चल रहे हैं BUSD के अंदर। तो आप देख सकते हो अभी जो है हमारा BUSD ऊपर में आ गया, यानी BUSD के अंदर कन्वर्ट हो चुका है बाइनेंस, ठीक है। तो ये है बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे वीडियो बनाए रहिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए हमारा यूट्यूब के साथ।